कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर लगातार लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। यूपी बीजेपी ने इस बार सदस्य बनाने के अपने पुराने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यूपी में अब तक 2.25 करोड़ सदस्य बन चुके हैं, जबकि इससे पहले यूपी में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 1.83 करोड़ थी। इस बार पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 40 लाख सदस्य बने हैं, जबकि अवध क्षेत्र में लगभग 38 लाख सदस्य बन चुके हैं। अवध क्षेत्र में कुल 15 जिले आते हैं, इनमें सबसे ज्यादा सदस्य लखनऊ महानगर में बने हैं, जिनकी संख्या लगभग 5.5 लाख है। इस पर अवध क्षेत्र के सदस्यता अभियान के सह संयोजक नीरज सिंह का कहना है कि यूपी ने सदस्यता का नया रिकॉर्ड कायम किया है। नीरज सिंह यूपी में सदस्य बनाने वाले टॉप 10 लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 करोड़ सदस्यों के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के विश्व के सबसे चहेते लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारे एक भारत और श्रेष्ठ भारत के संकल्प में लोग हर तरफ से, हर राज्य से जुड़ रहे हैं और उसमें भी उत्तर प्रदेश में 2.25 करोड़ से ज़्यादा हमारे पार्टी के साथ लोगों ने सदस्यता ली है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का दूसरा चरण चल रहा है। देश भर में अब तक 10 करोड़ से अधिक सदस्य बीजेपी बना चुकी है। पूरे देश में यूपी अभी शीर्ष पर है। यूपी ने 2 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है। प्रदेश में बीजेपी का लक्ष्य है कि लोकसभा सीटों में मिले मतों के 75% लोग उसके सदस्य बने। भाजपा का कहना है कि लोक केंद्र में मोदी सरकार के 10 सालों के कार्य और प्रदेश में योगी सरकार के 7 सालों की उपलब्धियों से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे देश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री संगठन माननीय धर्मपाल जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम किया है और इसका परिणाम है कि आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश सदस्यता के मामले में 1 पर है और लगातार उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता अभी भी सदस्यता बढ़ाने में लगे हैं। बीजेपी के सदस्यता अभियान के साथ ही चल रहे सक्रिय सदस्यता अभियान के माध्यम से पार्टी के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तथा कार्यकर्ताओं की सक्रिय सदस्यता का नवीकरण भी हो रहा है। ये अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों को, जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए सभी पदाधिकारी काम कर रहे हैं और इनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार ने जो काम किए हैं उसी से प्रभावित होकर आम लोग भी अब पार्टी से जुड़ रहे हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ।